हाय दोस्तों, तो आजकल जो है हमारे देश में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। जैसे आप सब जानते हो कि रिलीजियस प्रोसेशंस में हमारे भाई स्वॉर्ड्स लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ से मुसलमान भाई रिलीजियस प्रोसेशंस पे स्टोन बेटिंग कर रहे हैं, तो हालात बहुत ही खराब हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि लेकिन वीडियो में मैं राय किसी ऐसे शख्स की लूँ जिसकी जो है एक लेफ्ट विंग टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है ना, क्योंकि हम अपनी राय तो समझ सकते हैं, मगर जो हमारी तरह नहीं सोचते वो हमारी तरह क्यों नहीं सोचते और उनकी सोच एक्चुअली है क्या, ये हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने सोचा मैं अपनी मॉम से पूछ लूँ कि वो क्या सोचती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या ननी? वो मुझे पता है कि आप रमजान में फोटो नहीं उठाते, वीडियो नहीं उठाते, मुझे पता है, लेकिन क्या है कि देश में हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो मुझे आपकी राय लेनी थी। किस बारे में? वो पहले ये बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मतलब मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, जो मैं काम करती हूँ, जो मैं न्यूज चैनल्स पे जाती हूँ, वीडियोस उठाती हूँ यूट्यूब के लिए, आपको मेरा काम कैसा लगता है? मैं खराब वो लोग चार पांच हंसी दिया सब, छोड़ो ना पुरानी बातें, अभी की बात करो। मगर मैं अच्छा करूँ ना सुन करो। तो अगर मैं अच्छा काम करती हूँ, ऐसा क्या अच्छा काम करती अपने वतन के लिए खड़ी होती हो हूँ? तो आपका वतन नहीं है क्या? है? तो अगर वतन आपका है, काम मैं अच्छा करती हूँ, तो आप मेरे वीडियोस की बजाय आरफा खान हम शेरवानी की वीडियोस क्यों हर जगह सर्कुलेट करते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप्स में? वो मुसलमानों की बात करती है ना। तो मैं तो सारे इंडियंस की बात करती हूँ ना, उसमें हिंदू नहीं आते क्या? सिर्फ मुसलमान आते हैं इंडिया में, हिंदू हमारे कुछ नहीं लगते क्या? आपकी इतनी हिंदू फ्रेंड्स हैं, इतनी सारी हिंदू लेडीज जिनके साथ आपकी पक्की दोस्ती है, वो आपकी बहनों जैसी नहीं है? और मेरी जो हिंदू फ्रेंड्स हैं जो हर साल आ जाते हैं ईद पे आपके हाथ की बिरयानी खाने के लिए, वो आपके बच्चों जैसी नहीं है? तो उनके हक की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की बातें करनी चाहिए, मतलब अच्छा ये नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं पता। देखा दोस्तों, ये लेफ्ट विंग वाले ऐसे ही होते हैं, जब हम लॉजिक से इनको काउंटर करते हैं ना, इनके पास कुछ होता ही नहीं बोलने के लिए, ये एस्केप कर जाते हैं इसी तरह, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि बोलना क्या है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि हम इनको अपना ना समझें, ये भी हमारे उतने ही हैं, ये भी हिंदुओं से उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जिस सेक्युलरिज्म का जिक्र किया गया है उसके बारे में हमें इन्हें अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हम किस सेक्युलर देश के नागरिक हैं और इस सेक्युलर देश में किसी के भी साथ जातिवादी या फिर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। और ये चीज हम डटे रहेंगे, हम इनको याद दिलाकर रहेंगे, हम इनके इस तरह की जो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है कि ये जो है ये मतलब भाईचारे में यकीन भी रखते हैं, लेकिन जब भाईचारे का संघार हो रहा होता है तब उसके खिलाफ बोलते भी नहीं, तो ये चीज जो है हमें इस चीज को खत्म करना है अपनी सोसाइटी से। और हम बोलते रहेंगे जब तक हम इनको जो है ठीक से ये लॉजिक नहीं समझाते, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो मेरे और वीडियोस देखते रहिए आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।